तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मेरा एक कप टूट गया है, बहुत क्लासी से एक कप था मेरा टूट गया, इसको मैं जोड़ के इसमें पौधा लगाने जा रही हूँ। चलिए आप सब भी मेरे साथ, मज़ा आएगी आप लोगों को भी। दोस्तों फेविक्विक से मैंने इसको चिपका दिया प्रॉपरली, ये जो टुकड़ा उसका तो कोई बात नहीं, पर ये अच्छे से चिपक गया है फेविक्विक से, मैंने यहाँ फेविक्विक से चिपका दिया इसको। और इसमें जा रही हूँ मैं मिट्टी डाल के, ये देखिए पता नहीं चल रहा ना कहाँ पे क्रैक था, ये देखिए हल्का सा पता चला, पर क्या करना है, इसमें मैं पौधे लगा दूँगी अपने सुंदर से, है ना मस्त। ऐसे ये भी ग्लास है, ये ग्लास तो क्रैक है पर इसको मतलब निकला नहीं है, तो इसमें भी मैं मिट्टी डाल के पौधे लगा दूँगी। दोस्तों अच्छा लग रहा है ना मेरा आइडिया, चैन चैन। इसको थोड़ी देर धूप में रखती हूँ। तो दोस्तों बाकी तो मैंने घर का काम कर लिया है, और मैं सोच रही थी जैसे मैं पूरे घर में ना वो स्टिक वाला नहीं होता पोछा, उससे मैं पोछा लगाती थी, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे कमरे में पोछते थे हाथ से लगाऊं। रीजन ये है कि एक तो टमी अंदर चला गया, ऑलरेडी मेरा टमी अंदर जा ही चुका है, बट फिर भी एक एक्सरसाइज भी जगह, और दूसरी बात ना इस रूम में उमना भी हमेशा खेलती रहती है नीचे, ये देखिए इस टाइम भी वो नीचे खेल रही है, तो इस रूम को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्लीन रखने की ज़रूरत है। तो अगर मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ तो क्योंकि वो बाहर वाले रूम में और किचन वाले रूम में भी यूज़ नहीं होगा, ये मैं सिर्फ पर्सनली इस रूम के लिए रखूँगी। तो पोछा तो मैं लेके आई थी जब गई थी आपकी मारवा तो मार्केट से, बट वो पोछे थोड़े छोटे छोटे हैं किचन का सेल्फ अगर पोछने के लिए, तो मेरे पास एक बहुत पुराना सा तावल पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा पुराना, आई थिंक जब मैं यहाँ पे नहीं रहती थी शादी से पहले, तो ये सारे बॉयज लोग यूज़ करते थे। तो अभी तो रैंडमली इसको मैं 3-4 बार मैंने मशीन में अच्छे से इसको धुल दिया है, और अब इसको मैं बीच से काट दूंगी ताकि ये मेरे इस पर्सनल रूम के लिए पोछा बन जाए। और नहीं गोगो कैची है, देखिए सीजर को देख के आएगी, तो पर्सनली जब इस रूम के लिए बन जाएगा ना तो मैं क्या कहते हैं मैं इस रूम में इजीली तब पोछा लगा सकूंगी। मैंने सोचा लाओ इसका यूज ही करते हैं क्यों ना हम लोग, तो मैं इसका 2/3 ये काट लूंगी फटाफट और इसको पोछा बना दूंगी। मेरी बेटी मेरे को कैसे देख रही है, है गुगु मेरा पोर्टेबल स्टैंड अच्छा तो आया पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छे से अभी इसको स्टैंड बाय नहीं कर पाई हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से मैं नहीं कर पाई हूँ। दो रीजन है दोस्तों, एक तो मुझे लिटरली टाइम नहीं मिल पा रहा है, पूरा दिन काम में घर के, और ओमना भी में बहुत ज्यादा मेरा टाइम वो हो जाता है, तो इसलिए मैं पर्सनली अपने किसी काम के लिए वक्त निकाला। देखो मैं कितने दिन से मोस्टली मुझे लग रहा है मैं 1 महीने से आप लोगों को बोल रही हूँ ना कि मुझे हेयर कट कराना है, हेयर कट कराना है, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। संडे सोचती हूँ फ्री होंगी तो करूंगी, बट संडे मुझे घर की ग्रोसरी शॉपिंग करनी होती है, वेजिटेबल शॉपिंग करनी होती है, कुछ ना कुछ मेरा रहता ही है, तो संडे भी नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मेरा इतना टाइम दोस्तों टेकन हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। एक मैंने इसको काट लिया है, अब जरूरत आगे पढ़ने पे मैं इसको और भी यूज करूंगी, इस तौलियों को भी काट के यूज करूंगी। फिलहाल मैं इसको रख देती हूँ दोस्तों। बुबो बदमाशी मत करो, मैं आ रही हूँ, ये रख के बेड के अंदर। आपके सारे कपड़े देखिए सोफे में रखे हुए, इधर चलिए तो अपने कपड़े फोल्ड करिए, तो बेटा और दोस्तों आप सब कैसे हो, होप्स आप सब अच्छे होंगे। मैंने भी आज भगवान जी का पूरा वस्त्र वस्त्र धुल के डाल ही दिया है, आज सोची कि चलो आज करवा के आती हूँ हेयर कट, तो मेरी पड़ोसन कहीं चली गई है, देखो ओवन को वैसे इधर डाल दी हूँ, तो मेरी पड़ोसन कहीं चली गई, तो अब बिना पड़ोसन के मैं जा नहीं सकती हूँ, ओमनवी को कौन संभालेगा, वो रहती है तो ओमनवी को संभालती है, तो मैं बैठ के हेयर कट करवा लेती हूँ या कुछ भी पार्लर का काम कर लेती हूँ, अब वो है नहीं जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है। मेरी बेटी मेरे पीछे जा रही है, अंदर आती हूँ, देखिएगा दोस्तों अभी धीरे से यहाँ प्रकट होगी, देखिए देखिए दिखा हल्का तो धुल्लो दिख आले प्रकट हो गया, तो मत्ती होती है आपको मौसम अच्छा है, धूप है निकला, मैंने शैम्पू भी कर लिया कि चलो थोड़ा सा, आज सोची थी कट करवाने को बट वही ये पड़ोसन ही नहीं है इसीलिए शैम्पू के लिए, तो कोई बात नहीं है परसों संडे को ही जाऊँगी, अब पति को तो 3-4 दिन लगेगा आने में। चलो अंदर चलती हूँ। छी 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 क्या खा रहे हो, छी छी गंदी चीज़ जो मुँह में, अब इनको तो समझ है नहीं, कुछ भी मुँह में डाल लेती हैं दोस्तों, बच्ची क्या समझ होगा, फिर के अंदर आता है। और मैं पोर्टेबल को अच्छे से, ये देखिए कहाँ तक आ गई, आइए आ जाइए माँ पास आ जाइए इधर, पोर्टेबल को मैं अच्छे से अभी स्टैंड करके ट्राई करती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ, आ जाइए कहाँ गई दिख नहीं रही हैं,
दिख नहीं रही आप? ओह माय गॉड, वो देखिए दोस्तों, छोटी सी एक चुहिया आ रही है मेरे पास। आप आइए। आ ही रही है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ चल पड़ी हूँ सीढ़ियों पे, तो मैं आपको बता दूँ मेरा आज टाटा का एग्जाम था, तो बस मैं यहाँ पे निकल चुकी हूँ। ओम नवी, व्हाट आर यू डूइंग विद माय बैग? व्हाट आर यू डूइंग विद माय बैग? ओम नवी, ओ लैग इसमें स्टक हो गया, निकाल दिया मैंने तो। ओम नवी लुक एट माय साइड, ओम नवी लुक। कहाँ पे आए हो वो? कहाँ पे आए हो? एग्जाम देने आए हो क्या? एग्जाम देने आए हो क्या? एग्जाम देने आए हो क्या मेरे साथ? तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं घर, और घर पे आते ही हम दोनों रेस्ट कर रहे हैं। बुबू भी थक चुकी है बहुत ज़्यादा, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैं भी रेस्ट करने लगी हूँ। और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, जो कि मैं पढ़ के नहीं गई थी, बट ऑल दो मेरा पेपर अच्छा गया और तुरंत रिजल्ट निकल गया, तो मैं पास हो गई हूँ अच्छे मार्क्स से। तो क्या कहते हैं, अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताना। तब तक लिए सी यू सून, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करें। बाय बाय दोस्तों।